जय हिंद हिंद्रेंड्स टेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि पे, पे अकाउंट की पासबुक को कैसे डाउनलोड करें किसी भी रेंज के अनुसार एक महीने दो महीने तीन महीने और आप किसी भी डेट को चूज करोड कर सकते हैं और आप बैंक या कहीं भी आपको जरूरत हो उसकी तो उसे काम में ले सकते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक करें साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें तो दोस्तों सबसे पहले आपको आईपीपी अकाउंट को ओपन करके लॉगिन कर लेना है अब हमारा आई पी पी अकाउंट लॉग इन हो चुका है हमारे सामने ऊपर हमारा नाम आता है जो हमारे खाते के लास्ट के फोर डिजिट आते हैं और उसके नीचे लिखा हुआ होता है मिनी स्टेटमेंट तो हम मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं अब दोस्तों हमने आईपीपी अकाउंट की सहायता से जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सभी ट्रांजेक्शन मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं और मेरे सामने नीचे लिखा हुआ आता है पासबुक तो मैं पासबुक पे क्लिक करता हूँ पासबुक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे सामने ऑप्शन आते हैं लास्ट थर्टी डेज लास्ट सिक्सटी डेज लास्ट नाइन्टी डेज़ और नीचे लिखा हुआ है डेट रेंज तो दोस्तों आप जिस भी डेट रेंज के हिसाब से और आपकी आवश्यकता के अनुसार इसकी पासबुक को डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों मैं आपको लास्ट नाइन्टी डेज की पासबुक डाउनलोड करके दिखाता हूँ तो मैं लास्ट नाइन्टी डेज पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने लिखा हुआ था पी डी एफ अक्सल तो मैं पी डी एफ करता हूँ तो दोस्तों डाउनलोड पर क्लिक करके आप नाइनटी डेज की पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि डाउनलोड के राइट साइड में व्यू पासबुक लिखा हुआ होता है तो हम व्यू पासबुक पे क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारे सभी ट्रांजेक्शन हमारे सामने आते हैं और नीचे मैं देखता हूँ तो मेरे सामने लिखा हुआ था गेट मोर डेटा तो मैं गेट मोर डेटा पे क्लिक करता हूँ इस तरह मेरे और ट्रांजेक्शन मेरे सामने आ जाते हैं मैं फिर से गेट मोर डेटा पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह तीन महीने के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सभी ट्रांजेक्शन मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं इन ट्रांजेक्शन को चेक कर सकता हूँ धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में